अपना रजिस्ट्रेशन health.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर या ई-मित्र पर करवा सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार 1 से 10 अप्रैल तक ग्राम पंचायतों में भी रजिस्ट्रेशन कैंप लगा रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए जनाधार कार्ड या उसकी नामांकन रसीद जरूर लेकर जाएं। जरूरतमंद परिवारों के लिए ये बीमा निःशुल्क है और अन्य परिवार ₹850 का मामूली प्रीमियम देकर इस योजना के साथ जुड़ सकते हैं। कितनी अच्छी योजना है ना राज्य सरकार की। आप भी इसका लाभ उठाएं और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं। आपका खबर गांव शहर बुलेटिन में, मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट। अंदर देश में कोरोना की दूसरी लहर जारी है, बंगाल में महामारी पसारती जा रही है पैर। कोरोना के बीच आज गृह मंत्री अमित शाह राज्य में 3 बड़ी चुनावी रैली करेंगे। अगले 3 चरण के मतदान 22, 26 और 29 अप्रैल को होंगे। तमिल अभिनेता विवेक का हार्ट अटैक के कारण निधन हुआ। सीने में दर्द की शिकायत के बाद शुक्रवार को 59 वर्षीय अभिनेता को चेन्नई के हॉस्पिटल में किया गया था भर्ती। सत्रह अप्रैल को 11 राज्यों के 2 लोकसभा और 13 विधानसभा सीटों के लिए भी होगा मतदान। 2 मई को होगी मतगणना। कोरोना से संक्रमित जगतगुरु स्वामी श्यामा देवाचार्य का शुक्रवार की रात निधन। कुंभ नगरी हरिद्वार में भागवत कथा करने गए थे जहां संक्रमित हुए। उनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा था, जिसके बीच उनके शरीर में गंभीर संक्रमण फैल गया, जिसके चलते उनका देहांत हुआ। फिक्की ने राज्यों से दोबारा लॉकडाउन नहीं लगाने की अपील। इसके अलावा चिट्ठी में कोरोना से निपटने के लिए रणनीति और प्रबंधन को लेकर की बात। अलवर के शाहजहांपुर में राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर नए कृषि कानून को लेकर किसानों के धरने को आज 124 दिन पूरे हुए। शुक्रवार को अचानक मौसम में हुए बदलाव की मार किसानों पर पड़ी। शाम 5 बजे मौसम में आए बदलाव से आंधी तूफान से बारिश शुरू हुई। आंधी तूफान के दौरान किसानों के टेंट, गद्दे, कपड़े और सामान हवा में उड़े। कामा क्षेत्र से शुक्रवार रात एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। गांव सहसन में पति ने गुस्से में अपनी पत्नी की गोली मारकर की हत्या। पत्नी को मारने के बाद पति ने खुद को भी मारी गोली, इससे युवक की मौके पर मौत। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को किया बरामद। इससे पहले युवक ने चाचा के लड़के पर भी चलाई थी गोली। कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों के नाम दिया संदेश। मुख्यमंत्री ने जनता से एक बार फिर कोरोना प्रोटोकॉल गाइडलाइन की पालना करने की अपील। शुक्रवार को प्रदेश में कोरोना के 7,359 नए मामले सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3,95,309 पहुंची। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना से 31 लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना से प्रदेश में अब तक 3,072 लोगों की मौत हो चुकी है।
सीएम अशोक गहलोत के निर्देश के बाद प्रदेश भर में वीकेंड पर लगाया गया कर्फ्यू। कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के लिए पुलिस के उच्च अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश किए गए जारी। सरकार की ओर से मिले दिशा निर्देश के बाद अब पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क। कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए गृह विभाग ने 7,000 होमगार्ड जवानों की लगाई है ड्यूटी। पकराना में वीकेंड लॉकडाउन की पालना को लेकर पुलिस प्रशासन ने बरती सख्ती। पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से शुक्रवार को शहर में खुले प्रतिष्ठान को बंद कर आमजनों को घर में रहने की अपील की। टोंक में वीकेंड लॉकडाउन शुरू होते ही अफरा तफरी का माहौल। आमजन द्वारा रोजमर्रा के सामान को खरीदने के लिए बाजार में उमड़े लोग। टोंक शहर की सड़कों पर नागरिकों को समझाने और कर्फ्यू की पालना कराने के लिए किया गया फ्लैग मार्च। टोंक सीओ ने कहा, राज्य सरकार के आदेश की पूर्णतः पालना होगी। तो वहीं टोंक में शराब की दुकानें रात 8 बजे तक खुली पाई गई। आम नागरिक पूरी तरह से कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे थे। सड़कों पर आवाजाही लगातार जारी रही। शिवपुरा कस्बे के क्षेत्र में तापमान बढ़ने से जहां आम आदमी गर्मी की मार से त्रस्त है, तो वहीं इस बढ़े हुए तापमान का फायदा उठा रहा है किसान। क्षेत्र में इन दिनों तापमान 40 डिग्री के पार है। किसान गेहूं की फसल के बाद अब नरमा कपास की बिजाई करने के लिए खेतों में जुटे। हनुमानगढ़ जिला टाउन और जंक्शन में वीकेंड कर्फ्यू को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित की जाएगी। एसपी प्रीति जैन वीकेंड कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और प्रशासन आला अधिकारियों की बैठक ली। छिपाबड़ौद में बिना एनओसी के क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं अवैध भट्टे। जहरीले धुएं से बीमारियों की संभावनाएं बढ़ी। भवानी मंडी में जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार 2 दिन का कर्फ्यू है। इसकी पालना के लिए शाम से प्रशासन हुआ मुस्तैद। प्रशासन द्वारा नगर में घूम घूम कर बंद कराई गई दुकानें। नागरिकों से जिला कलेक्टर ने डे और नाइट कर्फ्यू की पालना करने की अपील। झालावाड़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते जिला कलेक्टर ने शुक्रवार शाम से जिले में 2 दिन की कर्फ्यू की घोषणा की। पालना के लिए नगर में घूम कर करवाई गई आदेश। सेतरावा क्षेत्र में कोरोना विस्फोट। क्षेत्र में एक बार फिर मिले 9 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। सेतरावा चिकित्सालय की टीम कर रही है लगातार सैंपलिंग। एक साथ संक्रमित आंकड़ा बढ़ने से दहशत का हुआ माहौल। फिलहाल खबर गांव शहर बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। कोरोना अभी गया नहीं है, एक नए स्ट्रेन में फिर निकला है, जो आस पड़ोस के राज्यों में फैल रहा है। खतरा अभी भी नहीं टला है। प्रदेश में अपने अंकुश तो है, फिर भी सदा ही मास्क लगाएं, बार बार हाथों को धोएं, रखें 2 गज दूरी।